हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल ही यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून पर मुहर लगी और फिर आज पहला केस भी दर्ज हो गया। बरेली में इस कानून के फेर में फंसा आरोपी धर्म ना बदलने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था। 26 अक्टूबर को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से आई तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। महज धर्म ना बदलने को लेकर एक सरफरे आशिक ने बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ ऐसी ही खतरनाक साजिश यूपी के बरेली का रहने वाला उवेस भी रच रहा था, जिसके खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उवेस साल भर से देवरनिया इलाके में रहने वाली एक लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और तो और धर्म न बदलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पीड़ित के पिता के मुताबिक आरोपी उवेस ने एक साल पहले उनकी लड़की का अपहरण भी किया था। पुलिस ने लड़की को बरामद किया, लेकिन उवेस ने उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। स्कूल जाती थी, स्कूल परेशान करता था और स्कूल में बोल पड़ती थी, बोल पड़ता था और जब पढ़ के आता था रास्ता में उसे घेरता था और हमें हमारे लिए बहुत परेशान करता था। और अब जब वो वहाँ से यहाँ से ले गया लड़की के लिए पहला पहुँचा कर पूरी तरह हमने शादी कर दी उसकी। अब शादी के बाद जब भी वहाँ मिलता है रास्ते में हमें परेशान करता है हमको और धमकी देता है कि तुम्हें देखूँ, तो इसलिए हमने पुलिस को सूचना दी है। अब यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए कल ही लागू किए गए कानून के तहत उवेस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहाँ के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को पास का एक लड़का जिसका नाम उवेस है वो तंग करता है और लड़की पर दबाव बनाता है धर्मांतरण करने के लिए और शादी करने के लिए। पिछले साल भी इस लड़के ने मेरी लड़की का अपहरण किया था और लड़की को बम्बई ले जा रहा था। कल मुकदमा दर्ज किया गया है। कल ही उत्तर प्रदेश में ये विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू हुआ था, तो उसी की धारा 3 और 5 के तहत और अन्य आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला लव जिहाद से जुड़ा है और इस कानून के तहत ये पहला केस है। ऐसे में यूपी के आला अधिकारी भी फौरन हरकत में आए और जांच के बाद आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। वैश अहमद नाम के व्यक्ति पे ये आरोप है कि एक बच्ची को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके और मारने पीटने की बात आई है, तो चूंकि 27 तारीख से ही ये अध्यादेश लागू हुआ है तो अब आगे इस पे कार्रवाई जो भी होगी वो नियमानुसार और विधिक तरीके से की जाएगी और इस संबंध में हमारे जो सभी फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनको संज्ञानित किया जा चुका है। यूपी में लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश को कल ही राज्यपाल ने मंजूरी दी, जिसके बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो गया है। इस कानून के मुताबिक यूपी में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को 1 से 5 साल तक की सजा होगी, साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। अगर पीड़ित SC/ST समुदाय की नाबालिग या महिला है तो जुर्माना 25,000 और सजा 3 से 10 साल तक की होगी। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ कई बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेलने वालों की अब खैर नहीं है।